गंज बासुदा में कृषि कानून के विरोध में पूर्व विधायक निशंक जैन के नेतृत्व में हजारों किसान ट्रैक्टर लेकर आए। किसानों ने रैली निकालकर प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। कांग्रेस की ट्रैक्टर रैली नई मंडी से प्रारंभ होकर नगर के मुख्य मार्गों से होती हुई लाल परेड ग्राउंड पहुंची। पूर्व विधायक निशंक जैन ने कहा कि कृषि कानून बिल वापस होना चाहिए, यह किसानों के लिए अहितकर है। प्रदेश में कांग्रेस की सरकार जाने के बाद नगर में यह सबसे बड़ी ट्रैक्टर रैली निकाली गई है। ट्रैक्टर रैली में हजारों की संख्या में किसान शामिल हुए और करीब 200 से ऊपर ट्रैक्टर रैली में चल रहे थे। लाल परेड ग्राउंड पर किसानों को संबोधित किया गया। ज्ञापन सौंपने वालों में जिला कांग्रेस अध्यक्ष बहादुर सिंह दांगी, ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष प्रकाश मिश्रा, नगर कांग्रेस अध्यक्ष अदनान भाई सहित अन्य कांग्रेस नेता मौजूद थे। गंज बासोदा से मुकेश चतुर्वेदी की रिपोर्ट। कमेटी के अध्यक्ष बहादुर सिंह दांगी जी, कृपया ट्रैफिक को बनाए रखें, ये गाड़ियां साइड से निकलवाते जाएं, ये गाड़ियां साइड से निकलवाते जाएं। हिंदुस्तान के अंदर गोरों से, और अब फिर एक लड़ाई चालू हुई है इस हिंदुस्तान के अंदर बैठे हुए चोरों से, जो पहले अंग्रेजों के मुखबिर हुआ करते थे और देश को बांटने के लिए देश के अंदर आपस में लोगों को लड़ाया करते थे। आज सत्ता फिर उनके हाथों में है और उस देश को सेना और किसान के बीच में उन्होंने विभाजन कर दिया है। आदरणीय साथियों, जो पहले जवाहरलाल नेहरू महात्मा गांधी जी आपको सच्चाई मालूम पड़ जाएगी आप कितने गहरे में हैं। हम बात की शुरुआत करें, जैसे कि हमारे जो दो तंदुरुस्त साथी खड़े हैं, राजेश यादव जी और रविंद्र यादव जी, अब यदि जे घर से खाना खा के आए हो और हमारे दरबार घर से खाना खा, सबसे पहला कानून है कॉन्ट्रैक्ट खेती। कॉन्ट्रैक्ट खेती का मतलब है हिंदी में कॉन्ट्रैक्ट को बोलते हैं अनुबंध। जैसा कि अपन कोई जमीन खरीदते बेचते हैं ना, उसको बोलते हैं अनुबंध, कहते हैं ना अपन, एग्रीमेंट कराते हैं वकील साहब से, क्या चौधरी कराते हैं ना, ठेका पे, देसी भाषा में ठेका पे। मोदी जी ने कानून बना दिया कि अब आपकी खेती ठेके पे जाएगी। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।